नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर सुपौल से है। नेपाल सीमावर्ती सुपौल में तीसरे चरण विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट और चौकस हो गई है। सुपौल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सदर एसडीओ और सदर डीएसपी, बिहार पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर जिले के एंट्री प्वाइंट पर सघन वाहन जाँच कर रही है। वहीं किशनपुर के टोल प्लाजा पर सघन जाँच अभियान के दौरान 5 लाख रुपए अवैध रूप से बरामद होने के बाद पुलिस और चौकस हो गई। वहीं एक दूसरी कार से लोडेड पिस्तल जब्त किया गया। दरअसल चुनाव को लेकर सुपौल पुलिस अधीक्षक खुद वाहन चेकिंग का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस दौरान एसपी ने जानकारी दी। चुनाव आचार संहिता को लेकर जिले के एंट्री प्वाइंट सहित हर चौक चौराहों पर सभी तरह के गाड़ियों की सघन जाँच की जा रही है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों के साथ साथ पुलिस शराब माफिया और पेशेवर अपराधियों की तलाश में अभियान तेज कर दी है। क्या सब उपलब्धि मिला है? ये सुपौल के एंट्री का मुख्य पॉइंट है, जिसमें शहर जाया जाता है। यहाँ करीब 1 घंटे से चेकिंग चल रही है। उसमें 5 लाख रुपए और 1 लाइसेंसी पिस्टल भी पकड़ा गया है।